हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस स्टूडियो में आपसे बात करने वाला हूं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के मुकाबले की, जो खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में साउथहैम्पटन के रोज बाउस स्टेडियम के अंदर 14 जून को दोपहर के 3 बजे से। और इसका लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। अगर मैं यहाँ के पिच के बारे में बात करूं तो जैसा कि हमने पिछले मैच के अंदर भी देखा था, रेनी कंडीशन की वजह से पिच पूरे उसके अंदर रहती कवर्स के अंदर, तो मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है पिच के अंदर। तो स्टार्टिंग के ओवर्स के अंदर फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। पिछला जो साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच था वो भली रद्द हो गया था, पर स्टार्टिंग के ओवर के अंदर बहुत शानदार हेल्प मिली थी वेस्ट इंडीज के पेस बॉलर्स को। तो वापस से वैसे ही पिच होने वाला है, आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का ही फैसला करना चाहोगे। अगर मैं वेदर फोरकास्ट के बारे में बात करता हूं तो 14 जून को काफी अच्छा वेदर फोरकास्ट है साउथहैम्पटन के अंदर। सिर्फ 20% चांसेस है रेन के और बाकी दिन क्लाउड्स भले ही होंगे पर बारिश ज्यादा नहीं आएगी, तो काफी अच्छा हमको मैच देखने को मिल सकता है। और फाइनली एक वॉशआउट तो पक्का से नहीं होगा। अब मैं दोनों टीमों की बैटिंग के बारे में बात करता हूँ। इंग्लैंड की बैटिंग बहुत ज्यादा सुपीरियर है। पिछले मैच में जेसन रॉय ने एक शानदार पारी खेली, जो रूट एक सेंचुरी ऑलरेडी मार चुके हैं, जॉस बटर ऑलरेडी एक सेंचुरी मार चुके हैं और पिछले मैच में जॉनी बेस्टो ने भी हाफ सेंचुरी बनाई थी। तो इंग्लैंड की बैटिंग काफी ज्यादा अच्छी चल रही है और इंग्लैंड की बैटिंग को टूर्नामेंट की बेस्ट बैटिंग माना जाता है। वहीं अगर हम वेस्ट इंडीज की बैटिंग के बारे में बात करें तो इतनी टेस्ट नहीं हुई है, 3 में से 1 मैच रद्द हो चुका है और 1 मैच में 105 रन का टारगेट था। हालांकि क्रिस गेल काफी अच्छे फॉर्म में दिखे हैं, शाई होप का भी काफी अच्छा रहा है, निकोलस पूर्ण और शिमरन हेटमायर ने भी काफी अच्छा पोटेंशियल दिखाया है। तो बैटिंग दोनों टीमों की वैसे अच्छी है पर इंग्लैंड की बैटिंग काफी ज्यादा सुपीरियर है अगर हम वेस्टइंडीज से कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं फास्ट बॉलिंग के बारे में बात करता हूं तो फास्ट बॉलिंग में एज मिलती है वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया ओशेन थॉमस और शेल्डन कॉटरेल ने स्टार्टिंग के ओवर के अंदर, तो इन दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग के अंदर। पिछले मैच में केमार रो तो चांस मिला पर उनको ज्यादा ओवर फेंकने का मौका नहीं मिला। वहीं अगर मैं इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग के बारे में बात करता हूं तो जॉफ्रा आर्चर ने काफी अच्छी बॉलिंग डाली, उन्होंने भी 6 विकेट लिए टूर्नामेंट के अंदर पर उसके अलावा कोई साथ नहीं मिला है। क्रिस वोक्स ने भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करी है और लियाम प्लंकेट और मार्क वुड को भी काफी कम मौके मिले हैं। तो अगर फास्ट बॉलिंग की बात करी जाए तो वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग काफी अच्छी है ओशेन थॉमस और शेल्डन कॉटरेल के होते हुए। अगर मैं स्पिन बॉलिंग के बारे में बात करता हूं तो इस तरफ आदिल रशीद आते हैं इंग्लैंड की तरफ से और आपको वेस्ट इंडीज की तरफ से मिलते हैं एस्टन नर्स। आदिल रशीद का परफॉर्मेंस फिर भी काफी डिसेंट रहा है, उन्होंने कुछ विकेट्स निकाले हैं। वही एस्टन नर्स ने इस पूरे टूर्नामेंट में अपने सिर्फ 5 ओवर डाले। जी हाँ, 1 मैच रद्द हो गया, 1 मैच में उनको बॉलिंग डालने का मौका नहीं मिला और 1 मैच उन्होंने सिर्फ 5 ओवर डाले जहां पर उन्होंने 31 रन देके 1 विकेट भी नहीं लिया। तो अगर स्पिन डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो आदिल रशीद काफी अच्छे बॉलर हैं एस्टन नर्स से, तो स्पिन डिपार्टमेंट के मामले में जरूर से भारी होंगे आदिल रशीद। अगर मैं ऑलराउंडर्स के बारे में बात करता हूँ, इंग्लैंड अपने 2 ऑलराउंडर्स का खेलता है जो कि मोइन अली और बेन स्टोक्स, में वेस्ट इंडीज अपने 3 ऑलराउंडर्स का खेलता है जो कि कैप्टन है जेसन होल्डर, एंड्रे रसेल और कार्लोस ब्रैथवेट। अगर मैं इंग्लैंड की तरफ से बात करूँ तो मोइन अली का परफॉर्मेंस बॉलिंग में काफी अच्छा रहा है, वही बेन स्टोक्स का परफॉर्मेंस भी बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो चाहे फील्डिंग हो काफी अच्छा रहा है। तो इंग्लैंड के दोनों ऑलराउंडर्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं अगर मैं वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर्स के बारे में बात करूँ तो जेसन होल्डर ने पिछले मैच के अंदर एक हाफ सेंचुरी जरूर से मारी पर बॉलिंग के अंदर उनका परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रहा है। एंड्रे रसेल पिछले मैच में इंजरी की वजह से बाहर थे, उन्होंने पहले मैच में 2 विकेट जरूर लिए पर बैटिंग में वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। वही अगर मैं कार्लोस ब्रैथवेट के बारे में बात करता हूं तो मुझे लगता है वो टीम पे एक लायबिलिटी बने हुए हैं, वो बैटिंग के अंदर भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं और बॉलिंग में भी उनकी वजह से एक बॉलिंग ऑप्शन कम होता है। तो ऑलराउंडर्स की मैं बात करूं तो बेन स्टोक्स और मोइन अली काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं जिससे वेस्ट इंडीज को जरूर से तकलीफ हो सकती है। तो अब मैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करता हूं। इंग्लैंड के लिए मेन बात यह है कि जॉस बटलर फिट है कि नहीं है। पिछले मैच में उनको हिप इंजरी हो गई थी, तो अगर जॉस बटलर फिट होते हैं तो जरूर से टीम का पार्ट होने वाले हैं। पिछले मैच में टीम ने मोइन अली की जगह लियाम प्लंकेट को लाए थे ताकि फास्ट बॉलिंग को बढ़ावा मिल पाए, पर इस मैच मुझे लगता है वापस से मोइन अली की टीम में वापसी हो जानी चाहिए। जॉस बटलर की फिटनेस वैसे देखने वाली बात होगी, वैसे वो ज्यादा इंजरी नहीं थी उनको तो मुझे लगता है वो फिट हो जाने चाहिए। वापस से ये प्लेइंग होनी चाहिए। ओपनिंग करेंगे जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो, नंबर 3
टीम के ऊपर आते हैं, जो रूट नंबर 4 के ऊपर आते हैं ओइन मॉर्गन, नंबर 5 पे आते हैं जॉस बटलर, नंबर 6 पे आते हैं बेन स्टोक्स, नंबर 7 पे आते हैं मोइन अली, फिर क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और आदिल रशीद। तो काफी स्टेबल बॉलिंग लाइनअप है, दो स्पिन बॉलर्स हैं और 4 फास्ट बॉलर इंग्लैंड के पास में। अगर मैं वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में बात करूं, पिछले मैच में इवन लुइस भी इंजर्ड थे और एंडर रसल भी इंजर्ड थे, हालांकि वो मैच रद्द हो गया था तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ वेस्ट इंडीज को। तो बात करते वापस से वो दोनों का फिट होते हैं तो इवन लुइस और एंडर रसल की वापस से टीम में वापसी हो जानी चाहिए, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि वापस से किमार रोच को टीम से बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने कार्लोस ब्रैथवेट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखाया। तो वापस से ये पेन हो सकती है। अब ओपनिंग करेंगे इवन लुइस और क्रिस गेल, नंबर 3 पे शाई होप, नंबर 4 के ऊपर निकलस पूरन, नंबर 5 पे आपके शिमरन हेटमायर, नंबर 6 पे एंडर रसल, नंबर 7 पे जेसन होल्डर, फिर नंबर 8 पे कार्लोस ब्रैथवेट, फिर ओशेन थॉमस, एशले नर्स और शेल्डन कॉटरेल। तो वेस्ट इंडीज वापस से इस प्लेइंग में जा सकती है जहां पे वो बैटिंग बढ़ाने के लिए कार्लोस ब्रैथवेट को खिलाती है, पर मुझे लगता है फैसला सही नहीं है। शेल्डन कॉटरेल, ओशेन थॉमस और ब्रह्मस काफी अच्छा रहा वेस्ट इंडीज के लिए। आप मुझे पोल में बताना क्या लगता है कि ये मैच कौन जीतने वाला है। अगर मैं बात करूं बैटल टू वॉच आउट फॉर, तो मेरे लिए बैटल रहने वाला है ओशेन थॉमस वर्सेस जेसन रॉय के बीच। जेसन रॉय इंग्लैंड के सबसे अच्छे बैट्समैन रहे हैं, वही ओशेन थॉमस वेस्ट इंडीज के सबसे अच्छे बॉलर रहे हैं। तो ओशेन थॉमस के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो जेसन रॉय का विकेट जल्दी से निकाले स्टार्टिंग के ओवर के अंदर, वही जेसन रॉय पर जिम्मेदारी होने वाली है कि वो ओशेन थॉमस के ओवर्स को अच्छी तरह हिट करे ताकि वो अंडर द कॉन्फिडेंस जाए। तो एक काफी अच्छा बैटल हो सकता है इन दोनों के बीच में। तो वैसे मैं बात करूं तो इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा फेवरेट टीम है, तो वापस से वो एज अ फेवरेट जाएगी, पर वेस्ट इंडीज का परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में काफी ज्यादा अच्छा रहा है, खासकर उनके फास्ट बॉलर्स का, वो काफी जल्दी विकेट निकालने में सक्षम दिख रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग वर्सेज जेसन रॉय और इंग्लैंड की बैटिंग के बीच में मुकाबला होने की उम्मीद है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो को पसंद जरूर से आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह की वीडियो देखने के लिए। हम लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।